वहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी ही। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और उस सार्वजनिक अवकाश के लिए भाइयों बहनों विश्वास
साल है 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई कर सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इससे सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए, गांव गांव में राम नाम का मंचन करिए। और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे, उस कार्यक्रम के बाद आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोग तैयार है ना अयोध्या आने के लिए? तो अपने अपने विधायक और सांसद को पकड़ करके जिसे अपनी पीढ़ी तय करवाना 22 के बाद, सहमत है ना? और मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने किसे 2-4-5 गाड़ियां बुक करवा देंगे और तिथि बताएंगे। उस दौरान यहां से चलिए आराम से लखनऊ में रुकिए, सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे, अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे और फिर वापसी में भी थोड़ा घर के कार्य के साथ साथ कुछ काम परिवार के कार्यों और कुछ राम के नाम पर भी समय निकाल करके आप दर्शन करने के लिए आप अयोध्या अवश्य आएंगे। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय।